पथरोली गांव से आपको ये लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। खुद ट्रैक्टर पर सवार होकर धर्म सिंह चोकर गांव मथरोली में पहुंचे हैं। समालखा के गांव मथरोली से आपको ये लाइव और सीधी तस्वीरें जो दिखा रहे हैं। बड़े लंबे छोटे काफिले के साथ स्वागत किया जा रहा है और यहाँ पर जनसभा को संबोधित करने और अपने पक्ष में वोट डालने की अपील जो है धर्म सिंह चोकर यहाँ पर करेंगे। और जहाँ जहाँ जा रहे हैं कांग्रेस के प्रत्याशी का स्वागत जो है पूरी तरह हो रहा है। और ये तस्वीरें आप देखिए, धर्म सिंह चोकर खुद ट्रैक्टर चलाकर जनसभा स्थल तक जो है पहुंच रहे हैं और मथरोली गांव से आपको ये लाइव और सीधी तस्वीरें जो हैं दिखा रहे हैं। जोरदार स्वागत जो है धर्म सिंह चोकर का यहां पर होता हुआ नजर आ रहा है। और मुकाबला दिलचस्प है, लेकिन धर्म सिंह चोकर आश्वस्त लग रहे हैं कि इस बार जो है चुनाव दोबारा से वही जीतेंगे और विधानसभा में पहुंचकर समालखे की आवाज़ जो है उठाएंगे। क्या लगता है ये धर्मजीत चोकर का क्या हिसाब किताब है? बहुत बढ़िया हिसाब किताब है। यहाँ 600-700 करीब वोट हैं टोटल गांव की। अच्छा। 700 के करीब में से 600 पोल होंगी, 550 के करीब धर्मजीत चोकर ले जाएगा वोट यहाँ से अकेला। सभी छत्तीस बिरादरी का साथ है। यहाँ ब्राह्मणों इतने 100-150 घर ब्राह्मणों के हैं, 100-150 वोट हरिजनों की है। बढ़िया पोल होगी, बढ़िया वोट मिलेगी। और एक तरफा कांग्रेस सरकार आएगी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व सरकार बनेगी, आंधी आएगी कांग्रेस की। धर्म सिंह चोकर का पूरा समर्थन है। और ये बीजेपी वाले भी घूम रहे हैं? नहीं, कोई बीजेपी बाजेपी का यहाँ कोई कुछ जनाधार नहीं है। ऊपर मतलब भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में सरकार बनेगी, पूर्ण बहुमत आएगा, बीजेपी का कोई जनाधार ही नहीं है, कोई हिसाब किताब ही नहीं है। यहाँ तो इस गांव से 500-600 वोट करीब है, 90% वोट धर्म सिंह चोकर के साथ। सुनने में आया तो चौके रुपये बांट रहा है बीजेपी वाला। रुपये तो वोट नहीं मिलते, रुपये भी खा जाएंगे वोट भी देते। अच्छा, ऐसा भी रहेगा? हाँ, ऐसा ही रहेगा। मथरोली से तस्वीरें दिखा रहे हैं। चौपाल में जनसभा है और वहाँ पर जो है धर्म सिंह चोकर कुछ ट्रैक्टर चला कर पहुँच रहे हैं। उनके पीछे पीछे जो है उनके समर्थक और गांव के जो लोग हैं आप लाइव तस्वीरों में देख सकते हैं। और धर्म सिंह चोकर से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे और साथ में उनके जो समर्थक हैं उनसे भी बात करेंगे। तस्वीरें साथ ही साथ शेयर करेंगे। धर्म सिंह चोकर पहुँच चुके हैं मथरोली गांव में, स्वागत उनका किया जा रहा है और खुश नजर आ रहे हैं क्योंकि मुकाबला जो है इस बार टफ है और मथरोली गांव की जनता जो है इनका स्वागत करते हुए नजर आ रही है। ये तस्वीरें आप देखिए मथरोली से। एक सच्चे सेवक को चुनिए, हम तीन आदमी मैदान में हैं, हम तीन आदमी मैदान में कांग्रेस से बीजेपी को आजाद। मैं आपके बीच में रिपोर्ट कार्ड लेकर आया हूं। कोई भी आदमी 5 साल का कार्यकाल होता है और जैसे बच्चा पढ़ता है तो उसके माँ बाप स्कूल में उसका ग्रेड देखते हैं, भाई हमने मेरा बच्चा कितने नंबर लेकर आया। तो मैं भी आज अपने ये मेरा रिपोर्ट कार्ड है, कार्ड तो भूलता नहीं कि मैं छापे नहीं पड़ी किताब हो जाती, लेकिन मोटे मोटे प्रोजेक्ट हैं ये, कोई 25 करोड़ का, कोई 50 का, कोई 100 करोड़ का, कोई 10 करोड़ का, कोई 20 करोड़ का। तो इसलिए मैंने अपनी जो मैंने आपकी सेवा की है आपके बीच में लेकर आया हूं। और कभी मैंने अपने कार्यकाल में 2500 बच्चों को रोजगार दिया, 2500 बच्चों को। और ये भाई हमारे साथी आए हैं, बीजेपी का कैंडिडेट 10 साल यहां राज कर गया, जो दूसरा आजाद है 5 साल राज कर गया, उनसे पंचायत में चपैड़ में सम्मान करो, उनका आवाज सुनो। लेकिन उनसे पूछना, भाई मैंने साहब धर्म सिंह तो मानता ये काम करके कॉलेज अस्पताल सीएससी स्टेडियम पावरपुर आईटीआई केंद्रीय विद्यालय भाई कस्तूरबा गांधी बालिका के देश भर का काम जो भी आपके सामने जो कर दिया, करना नहीं कर चुका हूं, उनसे ये पूछना 2500 बच्चों को रोजगार लगा। आप ये कहिए वो आए 2500 तो दूर की बात, अगर 10 बच्चे भी अपने कार्य को लगाए तो वोट उनको दे देना। ये मेरा चैलेंज है उनके से आपसे, अगर मैंने लगाया भाई मेरे को दे देना।
तो मतरौली गांव से आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं, धर्म सिंह चौकर हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। अभी मैं सुन रहा था मुस्लिम समाज, जाट समाज, ब्राह्मण समाज सभी ने समर्थन दे दिया। सभी ने समर्थन दे दिया, आंधी है तो ऐसी आंधी मैंने कभी नहीं देखी। हरियाणा में तो कांग्रेस आंधी है ही है, संभाल का मंत्री कार्ड ही तोड़ दिया। सभी बरादरी के ऐसा मैं पहली बार देख रहा हूँ, समाज के समाज जात बिल्कुल समर्थन दे रहे हैं, एक एक वोट कांग्रेस को धर्म सिंह जी को दे रहे हैं। अभी मैं एक और सुन रहा था, आपकी प्रथा आपने बना दी कि ना दान लूंगा, ना चंदा लूंगा, ना नोटों की माला लूंगा, कोई दूसरा होता तो ले जाता। हाँ, 20 साल पहले लेती है, मैंने कानून बनाया ये। जब से इमरान्ति में मेरे बड़ा इंद्र सिंह जी आए थे, पहला चुनाव लड़ा था 2000 में उन्होंने, 2005 में, तो हमने यही कानून बनाया था, हम चंदा। अब लोगों को हम चंदा लेंगे तो लोग चंदा लेते थे और जेब भर लेते थे, करोड़ रुपए इकट्ठे करते जाते जनता लेके। तो पहले हमने कानून बनाई, भाई पूछ रही सबसे, मैंने कानून बनाया भाई कोई चंदा राजनीति आदमी, अरे उतनी वोट दे रहे हैं, राजा बना रहे हल्के का, इस तरह वोट का वोट को कीमत नहीं होती, पैसे की तो क्या कीमत है उसके सामने। तो हमने फैसला किया जब तक मैं इस राजनीति करूँगा इस हल्के की, मैं जिंदगी में, मैं और मेरा परिवार आगे करा, जहाँ तक मेरी बात है, हम जिंदगी में कभी भी अगर मैं इस यहाँ के संभाल के राजनीति से या यहाँ के एक रुपया भी किसी का खाऊं तो मेरे लिए जहर है। दान हो चाहे चंदा हो चाहे फंदा हो कुछ हो, मेरा जो है जो कहता हूं उसको करता हूं, जनता को पता है। लेकिन मैं आज जनता की फ्री सेवा, आराम से घर से बसें चलाता हूं, कन्या शादियाँ करता हूं, फोकी मशीन की सेवा है, जल सेवा है, वो फ्री चलती रहेंगे। आप कॉलेज का भी वादा कर रहे हैं कि मैं कॉलेज बनवाऊंगा? बिल्कुल, आपको ध्यान होगा ना, जब 2009 में जब मैंने पहला चुनाव लड़ा तो बापोली में 45 साल से कोई नेता कॉलेज बना पा था, तेरा मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर है, और मैंने वो घोषणा की थी भाई अगर मुझे एम एल ए बना तो पहला चुनाव था, अब 6 महीने कॉलेज ना बना तो रांति छोड़ दूंगा, 5 महीने में वो अपनी कॉलेज बना दिया। मैं वो धर्म सिंह से हूँ, मरद जबान का बलद कान था, जबान का आदमी, मैं जो कहता हूँ उसको करके दिखाता हूँ। ये जनता बड़ी विपक्ष या पूछ रहे जो मैंने कहा करके दिखा, जो नहीं करा कराया उसको कहा नहीं मैंने। आज मैंने 12 गाँव में गवर्नमेंट कॉलेज की घोषणा की तो बनेगा। आपके कांग्रेस का घोषणा पत्र जो आया है काफ़ी लुभावना है, 6,000 रुपये पेंशन दे रहे हैं लोगों के समझ में आ रही है ये जो कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है लोगों? हाँ, 6,000 रुपये मुख्यमंत्री ओथ लेते पहली कलम से 6,000 रुपये होंगे, MSP गारंटी होगी, 6,000 बुढ़ावा पेंशन होगी, महिलाओं को सम्मान के लिए 18 वर्ष से लेकर 60 वर्ष तक 2,000 पर मंथ जाएंगे और 60 से ऊपर 6,000 महीने जाएंगे। ये कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी का स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, भूपेंद्र हुड्डा जी का भी, ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे, जो आज सबसे जहाँ से राहुल गांधी जी ने कहा जहाँ जहाँ कांग्रेस सरकार होगी वहाँ ओल्ड पेंशन स्कीम लागू होगी, कर्मचारियों को पेंशन मिला कर। दीपेंद्र हुड्डा आ रहे हैं? हाँ, दीपेंद्र हुड्डा 22 को आ रहे हैं और भूपेंद्र हुड्डा भी, उनकी डेट फिक्स हुई, वो भी आएंगे, एक बड़ी बिहोली गांव में आ रहे हैं 22 तारीख को 11 बजे। धर्म सिंह चौकर हैं ये, वायदे भी कर रहे हैं और अपना रिपोर्ट कार्ड जो है लेकर वो भी घूम रहे हैं, तो तस्वीरें शेयर करें और इस वीडियो को लेकर जो भी कमेंट हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो फिलहाल विपक्ष के पास भी जाने की कोशिश करेंगे कि उनके क्या वायदे हैं। वैसे पानीपत के लिए प्रदीप पंचाल के साथ कुलवंत सिंह।